हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल जीनोम। ये टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड से बिलोंग करता है। सो बैक्टीरियल जीनोम के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि बैक्टीरिया क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। बैक्टीरिया स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिका से मिलकर बनते हैं। थर्ड है माइक्रोस्कोपिक, इनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया में मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। इस इमेज में आप बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद है सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। सेल वॉल के नीचे है इसकी सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। आगे की तरफ एक बड़ा फ्लैजिलम निकला होता है जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लैजिलम के अलावा बैक्टीरिया में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको पिलाए कहते हैं। ये बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है इसका क्रोमोसोमल डीएनए। ये जिस रीजन में रहता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जीनोम क्या है। सो जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट डीएनए या फिर कहें कि कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स जो प्रेजेंट होती हैं उसको कहा जाता है। जीनोम वर्ड को जर्मन बॉटनिस्ट हैंस विंकलर ने 1920 में दिया था। आगे हम चर्चा करते हैं बैक्टीरियल न्यूक्लियर बॉडी जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। फर्स्ट स्लाइड में हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में इसको देखा था। तो न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड सेल के साइटोप्लाज्म में इररेगुलरली शेप्ड रीजन होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में 60% डीएनए होता है, 30% आरएनए प्रेजेंट होता है एंड 10% प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोइड एरिया जो है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में वो 1/3 वॉल्यूम को कवर करता है। आगे हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया में जनरली, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक वर्ड आया है जनरली, सामान्यतः सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जॉन केर्न ने 1963 में ई कोलाई के ऑटोरेडियोग्राफ से रिपोर्ट किया था और इसका फर्स्ट एविडेंस बताया था कि इस बैक्टीरिया में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया का जीनोम हैप्लोइड होता है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है और इसको स्मॉल एन से लिखा जाता है। बैक्टीरिया के जीनोम की लेंथ 100 से 15,000 किलोबेसिस तक हो सकती है। अब इतना लंबा जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में कैसे आ पाएगा? तो इसके लिए बैक्टीरिया में पैकेजिंग प्रेजेंट होती है, यानी कि
जो डीएनए है वो ग्रेटली फोल्डेड रहता है सुपर कोइलिंग के द्वारा, और फोल्डिंग के द्वारा इसमें लूप्स एंड डोमेन बनते हैं। यहाँ पे आप ई कोलाई में पैकेजिंग को इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ई कोलाई का जो क्रोमोसोम है वो सर्कुलर होता है। फोल्डिंग इनटू लूप्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें लूप बन रहे हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो लूप हैं उनमें भी छोटे छोटे और लूप्स बन रहे हैं, यानी ग्रेटली फोल्डेड है। अगर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा किसी एक लूप में और सिंगल स्ट्रैंड में निक कर दिया जाता है तो ये जो लूप है ये अनफोल्ड हो जाता है, खुल जाता है, लेकिन बाकी के जो लूप हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, कुछ एक्सेप्शंस हैं सर्कुलर क्रोमोसोम के। तो इसमें पहला है बोरेलिया बर्ग डोरफेरी। ये फर्स्ट बैक्टीरिया है जिसमें लीनियर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया गया था। सेकंड एग्जांपल है एग्रोबैक्टीरियम टूमी फेशियंस। इसमें टू क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम लीनियर होता है और दूसरा सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। थर्ड एक्सेप्शन है राइजोबियम मेलिलोटाई। इसमें दो सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया में जो जीनोम है उसके कुछ की पॉइंट्स। ये जो की पॉइंट्स हैं बैक्टीरियल जीनोम के, ये जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा संभव हुए हैं। तो हम बात करते हैं आगे, बैक्टीरिया में कॉम्पैक्ट जीनोम प्रेजेंट होता है और ये यूकेरियोटिक जो जीनोम है उससे टू इम्पॉर्टेंट वेज में, दो तरीकों में डिफरेंट होता है। पहला है बैक्टीरिया में जीनोम साइज एंड नंबर ऑफ फंक्शनल जीन्स में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि बैक्टीरिया में जो नंबर ऑफ फंक्शनल जीन्स हैं वो यूकेरियोट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होती हैं, और ये जो जीन्स हैं ये ओपेरॉन में स्ट्रक्चर्ड रहती हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है जीनोम साइज एंड नंबर ऑफ फंक्शनल जीन्स में, ये बैक्टीरिया को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाता है रिसर्च एंड डिस्कशन के लिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट तरीका है यूकेरियोट से डिफरेंस शो करने का, वो है बैक्टीरिया में जीनोम लेस वेरिएंट होता है साइज में, अमंग स्पीशीज वेरिएशन कम होता है स्पीशीज के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया का जो लाइफस्टाइल है वो भी इसके जीनोम साइज के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें लार्जेस्ट जीनोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनमें फ्यूअर स्यूडोजीन्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत कम स्यूडोजीन प्रेजेंट होती हैं। स्यूडोजीन्स क्या होती हैं? ये डीएनए के नॉन फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जो कि फंक्शनल जीन या सेगमेंट से रिजेंबल करते हैं। अब लाइफस्टाइल जो बैक्टीरिया की बात हमने करी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है जीनोम साइज में, इसका एक्सेप्शन है जो रिसेंटली फॉर्म्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द जीनोम, यानी 85 से 90% जो जीनोम है वो नॉन रिपीटिटिव होता है बैक्टीरिया में। इसका मतलब ये है कि कोडिंग डीएनए यानी जो प्रोटीन बनाएगा जो फंक्शनल होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है, नॉन कोडिंग रीजन जो है वो बहुत ही कम पार्ट यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जीन क्लस्टरिंग। बैक्टीरिया में कई जीन्स एक साथ ट्रांसक्राइब होती हैं, एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये एग्जांपल है लार्जेस्ट बैक्टीरियल
जीनोम का। इसका एग्जाम्पल है सोरेंजियम सेलुलोसम। ये मिक्सोबैक्टीरिया है जिसमें 13.03 मेगा बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स। बैक्टीरिया में खुद के डीएनए के अलावा और डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर ये डीएनए फ्री साइटोप्लाज्मिक स्टेट में है, फ्रीली प्रेजेंट होता है, तो इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। और अगर ये डीएनए या क्रोमोसोम बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ा रहता है तो इसको बोलते हैं एपिजोम। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स इसेंशियल नहीं हैं बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, लेकिन बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बनाते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए और इनकी हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में। इसके अलावा बैक्टीरिया को इनेबल करते हैं टॉक्सिन के प्रोडक्शन में। इस स्लाइड में हम बात करते हैं प्लाज्मिड क्या है। सबसे पहले जोशुआ लीडरबर्ग ने 1952 में ये वर्ड दिया था। प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि इनमें ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये खुद के डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ये जीन्स को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया का डीएनए है और ये प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनकोडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके लिए जो जीन एनकोड होती हैं वो प्लाज्मिड के द्वारा होती हैं। पहला है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि अनदर बैक्टीरियल सेल को या तो किल कर सकते हैं या उसको इनहिबिट कर सकते हैं। सेकंड है बैक्टीरियोसिन्स प्रोडक्शंस। बैक्टीरियोसिन प्रोटीन टॉक्सिन होते हैं। थर्ड है एंटेरोटॉक्सिन प्रोडक्शन, ये भी प्रोटीन टॉक्सिन होते हैं। नेक्स्ट है एनहेंस्ड पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कॉज डिजीज। नेक्स्ट है म्यूटाजेंस, जो उत्परिवर्तन करने वाले कारक हैं उनके प्रति सेंसिटिविटी को रिड्यूस करना, सेंसिटिविटी को कम कर देना। लास्ट पॉइंट है प्लाज्मिड ऐसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी एनकोड करते हैं बैक्टीरिया के लिए जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करती हैं। लास्ट हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो डिफर करता है हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ या फिर कहें कि यूकेरियोटिक जीनोम से डिफर करता है। इसका कारण है कि यूकेरियोट्स में बहुत सारे डीएनए के जो स्ट्रेचेज हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता, जो कि कोडिंग सीक्वेंस के बीच में प्रेजेंट होते हैं और इनको इंट्रोन कहा जाता है। जो फंक्शनल जीन या कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं उनको एक्सोन कहते हैं। ये जो इंट्रोन्स होते हैं इन इंट्रोन को ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के द्वारा हटा दिया जाता है और फाइनली प्रोटीन बनती हैं। थैंक यू।